जी, चूंकि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं और नियम कानून और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकतांत्रिक तरीके से अपना झारखंड हित में हमेशा बात उठाते रहते हैं, लेकिन यहाँ के तानाशाही सरकार हमारा इस आवाज़ को दबाने के लिए हर तरीके से अपना प्रोपेगंडा हथकंडा अपनाती है कि देवेंद्रनाथ महतो को इतना केस कर दो, इतना FIR कर दो, इतना धारा लगा दो कि केस धारा मुकदमा का डर से बोलना बंद कर दे, इतना हटवार जेल भेज दो कि जेल जाने का डर से बोलना बंद कर दे, इतना लाठी चार्ज कर दो, हॉस्पिटलाइज कर दो कि मार पीट के जो है कि इतना बेहोशी हालत कर दीजिए कि बोलना बंद कर दे। तो हम आपका चैनल के माध्यम से मैं यही कहेंगे कि हम लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना मांगों को लेकर के डट के हम लड़ेंगे झारखंडी हित के लिए। ये सिली 4523 के अंतर्गत जो 341, 323, 353 IPC के तहत दर्ज हुआ था, इसमें यही था कि 10 और 11 जून को नीति नियोजन के तहत इन लोग झारखंड बंद का आह्वान किया था। उसके बाद लावादाक सिली मार्ग पर बहुत सारे गाड़ी चल रहे थे, इन लोग बोल रहा था कि जब झारखंड बंद का जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बंद कराएं उस आशय के साथ हम लोग जिस बंद कराएं, फिर भी उन लोग जो गाड़ी चला रहा था उस पर इन लोग मतलब विधि सम्मत काम किया था। तत्पश्चात सिली थाना ने इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय के तहत हमें एंटीसेप्टी बिल किए, जमानत मिला, आज विद इन टाइम हम सरेंडर की अभी बिल ग्रांट हो। जी, चूंकि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं और नियम कानून और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकतांत्रिक तरीके से अपना झारखंड हित में हमेशा बात उठाते रहते हैं, लेकिन यहाँ के तानाशाही सरकार हमारा इस आवाज़ को दबाने के लिए हर तरीके से अपना प्रोपेगंडा हथकंडा अपनाती है कि देवेंद्रनाथ महतो को इतना केस कर दो, इतना FIR कर दो, इतना धारा लगा दो कि केस धारा मुकदमा का डर से बोलना बंद कर दे, इतना हटवार जेल भेज दो कि जेल जाने का डर से बोलना बंद कर दे, इतना लाठी चार्ज कर दो, हॉस्पिटलाइज कर दो कि मार पीट के जो है कि इतना बेहोशी हालत कर दीजिए कि बोलना बंद कर दे। तो हम आपका चैनल के माध्यम से मैं यही कहेंगे कि हम लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना मांगों को लेकर के डट के हम लड़ेंगे झारखंडी हित के लिए। ये सिली 4523 के अंतर्गत जो 341, 323, 353 IPC के तहत दर्ज हुआ था, इसमें यही था कि 10 और 11 जून को नीति नियोजन के तहत इन लोग झारखंड बंद का आह्वान किया था। उसके बाद लावादाक सिली मार्ग पर बहुत सारे गाड़ी चल रहे थे, इन लोग बोल रहा था कि जब झारखंड बंद का जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बंद कराएं उस आशय के साथ हम लोग जिस बंद कराएं, फिर भी उन लोग जो गाड़ी चला रहा था उस पर इन लोग मतलब विधि सम्मत काम किया था। तत्पश्चात सिली थाना ने इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय के तहत हमें एंटीसेप्टी बिल किए, जमानत मिला, आज विद इन टाइम हम सरेंडर की अभी बिल ग्रांट हो।